राष्ट्र खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। चलिए रुक कर लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। भारत चीन के बीच तनाव को लेकर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे पहुंचे लद्दाख, सुरक्षा तैयारी की करेंगे समीक्षा। भारत में पबजी मोबाइल हुआ बैन, चीनी कंपनी टीसेंट के कारण डेटा को लेकर बताया बड़ा खतरा। के विदाई समारोह में कथित रूप से बोले जाने पर रोक के कारण जस्टिस अरुण मिश्रा ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी का वेबसाइट अकाउंट हुआ हैक, ट्विटर ने मानी अपनी गलती। चीन की बड़ी नौसेना बनाने का सपना हुआ पूरा, भारत को घेरने की पूरी तैयारी। असलम खान के बाद अब एहसान खान हुए कोरोना शिकार, 14 दिन के अंदर दलित कुमार के घर कोरोना से हुई दूसरी मृत्यु। पन्नू, लक्ष्मी मांचू और विद्या बालन के बाद शिवानी दांडेकर ने किया रिया को सपोर्ट, कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थाईलैंड ने चीन को दिया बड़ा झटका, काला पनडुब्बी सौदा। रेलवे लाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा नहीं की जाएगी राजनीतिक दखल अंदाजी। बता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद, कर सकते हैं ऐलान। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार के कारण घर में घुसी बस, 11 बच्चे घायल। टिकटॉक और कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगने से तिलमिलाया ड्रैगन, याद आए निवेशकों के कानूनी हित। दुनिया की निगाहें चीन पर, कैबिनेट सचिव सुगा ने प्रधानमंत्री पद का किया दावा। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ, दिल्ली के दंगों की साजिश रचने को लेकर आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर फिर तेजस्वी ने कसा तंज, बेरोजगारी से बचने का लगाया आरोप। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर, सिर्फ सच।